competition ready. This is the third one. And Wali still on the first one. Oh ho. 2 minutes reh gaye hain. Come on. The clock is ticking. Two minutes. Mamu ne apni aanch tez kar di hai. Okay, bhai, okay, ready. Oh, 9, 8, 7, 6, 5. हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। मेरे साथ है इस वक्त वली खाना। आज का प्लान ये कि मामू के साथ वली ने करना था कुकिंग चैलेंज। तो ना अभी हम आए हुए हैं, हलाल मीट मार्केट है यहाँ पे सामने, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ना कोई गोश्त वोश्त का सामान पकड़ना है जो वली भाई को चाहिए होगा। मामू के पास अपना घर में सामान पड़ा था, तो तुम्हारे दिमाग में आगे क्या बनाना है तुमने अभी तक? देख लेते हैं, इंग्रीडियंट्स देख के पता चलेगा क्या क्या बनाना है। आज चिकन विंग्स बना दे या फिर ये पुलाव, थोड़ा ज्यादा पुलाव बनाना तूने। चिकन विंग्स बना लेते, चिकन विंग्स बनाना मजे के टेस्टी समझे। चला चिकन विंग्स पकड़ते हैं, मुझे चिकन विंग्स बहुत पसंद है। लेट्स गो इनसाइड। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए हैं हलाल मार्केट पे। तो भाई तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे क्या लेना तुमने? देखो चिकन विंग्स और है सामने, हाँ भाई पूरे पूरे बकरे। मैं यहाँ पे आता हूँ, बहुत अच्छी दुकान है घर के बिल्कुल साथ है। ये देख, पूरी पूरा बकरा तो नहीं बनाना तूने, रान आती है रान बनाने। ईद पे देखेंगे। ये देख, छोटी छोटी चिकलेट्स भी हैं इधर, चिकन भी हैं। और ये रे विंग्स दो ले ले, एक ये नेबलेट का ले ले, एक टंगड़ियां ले ले, कल ले दो, कर ले यार, सारे बना ली, सारे खा लेंगे, घर में काफी है शागिर्द। आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने मना किया। ये रहा ग्रीन चिली वगैरह, वैसे ग्रीन चिली शायद उनके पास होप ना ऑलरेडी, ले ले यहाँ पे जस्ट इन केस, पकड़ ले थोड़ा सा। ये हारना नहीं है तूने, बड़े पैसे लगाए मैंने तेरे ऊपर, जल्दी करो जल्दी करो। जिंजर गार्लिक पेस्ट होगी, हाँ सब होगा, ये छोटी मोटी चीजें सब होंगी, ठीक है। गार्लिक को सब रखते हैं अपने पास, हाँ सबके पास होती है। देसी घर में ही जा रहे हैं हम, कौन से वलायती घर जा रहे हैं। हम सीधा आपसे मिलेंगे मामू के घर पे ही। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक। वली भाई के भी चैनल लगाए हुए डिस्क्रिप्शन में, उनको भी जाके सब्सक्राइब करो और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, बहुत सिंगल सीन ये है कि हमारे पास ये मामू सामने आ गए हैं, ठीक है, और साथ हमारे पास वली भाई। इनको बड़ी मुश्किलों से बाहर खींच के लाए, डर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने नहीं करना वली के साथ कॉम्पिटिशन। आपने किसका दिल है ये? अपना दिल निकाल के, जैसे एक आया था और उसको मैंने दिल निकाल के रख दिया बाहर। ये सुशेफ है आज हमारे साथ, ये बनाएगा खाना, ये हमारा हेल्पर है। वली की टीम है। विलियम की टीम में हो गए, ठीक है। अभी हमारा कंपटीशन वाकई शुरू हो रहा है। हाँ हो गया, शुरू हो गया भाई। यार आप कढ़ाई बनाओ, स्टेक फिश थी है किसकी? अरे फिश मुझे पसंद नहीं है तो शायद बायस्ड ओपिनियन ना हो जाए, बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी फिर। ये मीट कौन सा है? डियर का है? इतना सा पाइन, इसमें तो मेरे दांत भी गीले नहीं हो रहे। डियर की तुम्हारे लिए, दांतों का क्या काम है तुम्हारे? दांतों का तो काम ही नहीं है उसमें। एक मिनट, ये चिकन भी है, ये किसका है? ये आप चिकन, आप चिकन ना क्या और क्या है बनाना क्या? यार यहाँ पे कुकिंग शो कम कॉमेडी ज्यादा चल रही है। नहीं, बड़ा शैतान है, हम दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बात सुनो ना, आप लोगों का है कुकिंग चैलेंज, उसमें आपको मैं घंटा देता हूँ, घंटा ज्यादा हो जाएगा, 40 मिनट्स बहुत है, और घंटे में सो ही जाएंगे लोग। 40 मिनट्स में है ना, एक दूसरे को चाकू भी मारने पे आएंगे फिर एंड में। सही लग रहा है टोपी है। अभी हो रहा है हमारे पास 7:05 हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 45 मिनट्स देते हैं, चलो बेनिफिट। फिजा जो है वो चीजें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सूफी तुम जाओ, विलियम की टीम में हो जो जाके। सूफी आपने सिर्फ मुझे एंटरटेन करना है। चलो भाई, 1 मिनट हो गया, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। मैंने लाश गिरानी है। ओ जल्दी करो, जल्दी करो। वो देखो पीछे से आग लगा दी। इसका मतलब आपके हारने के नक्श हमें नजर आ रहे हैं, वो पीछे से आग भी लगा दी उसने। चलो देखते हैं जरा। चलो जी, अच्छा जी तूने ये विंग्स डाली तवे पे, अच्छा तुम इसमें पहले, यार तुम लोग बताओ भी तो सही ना क्या क्या कर रहे हो, मैं ही पूछी जा रहा हूँ। तुमने तरतल लगाई है, हमें बोलने का मौका दोगे तो बोलेंगे ना। बात तो सही है। ये मैंने ये फिश निकाली है। अच्छा, और ये फिश को जोन सा है ना, मैं हल्का सा नमक लगाने लगा। नमक और वली भाई तुम क्या करने लगे हो? मेरे पास उसके अंदर डाल दी, इसके अंदर मैं धोऊंगा। अच्छा, उसी में बनाना शुरू कर देगा। ये लो जी नमक डल रहा है ये फिश के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डाल लो, कोई मसला नहीं है। तुम जो चला के चलो ना, मुझे ये मुकाबला हराने के लिए। नहीं यार नहीं, उम्मीदवार होना पड़ेगा। ये तो आग में जाएगा eventually, इनके ढूंढ के नहीं रुक रहे। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, किन किन दरबार में आ गया।
ये एक और आ गया हमारे पास और इस पे अब नमक डाल रहे हो तुम, बताते भी रहो ना साथ साथ क्या डाल रहे हो। नमक डाल ये तो मैंने भी बता दिया, और क्या कर रहा है। अच्छा सीन ये है कि हमारे पास आग वाले चूल्हे हैं। आई मीन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आग वाले चूल्हे नहीं होते, कॉइल वाले होते हैं, तो इसका अपना मजा होता है। कॉइल वालों पे ना पता नहीं चलता कि किस तरह बन रहा है क्या बन रहा है, फिर अब तो और भी गंदे हो गए, शीशे वाले आ गए। आग पे बन रहे हैं, as you can see boys and girls, बड़ा फिट किस्म का। अभी हमने यहाँ पे विंग्स रख दिए अपने। एक मिनट बेटा, इसकी वीडियो छोड़ दो, यहाँ पे चैलेंज हो रहा है, रुको जरा। ओ ये क्या है, इस पे तो इंक लगी हुई है। हाँ जी भाई, ये तो टेंटेड हो गया। क्या और कोई लिखने की जगह नहीं थी? पेपर यार, पेपर मेरे से मांग लेते यार, उसी पे लिखना शुरू कर दिया। अच्छा इसके प्रॉपर स्टैंप लगा हुआ इस पे। ये नीचे कुछ देख रहा है? हाँ ये वही, मेरी तरफ पंखे डाल के देख। ठीक है जी, तुम्हारा टाइम हो गया दो भाई। अभी तूने क्या डाला, और इसमें जरूरत तो नहीं थी तू डालने की। नमक और डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा जी ऑयल चाहिए, ऑयल फिजा ला के दो। सबोटाज कर रहे मेरा। हसन इसमें सर सारे चम्मच वगैरह तुझे मिल जाएंगे, ठीक है। नमक मामू ने डाल लिया अपनी स्टेक पे, ठीक है। इंक वाली हाँ, पूरी आर्सल लगी हुई यहाँ पे भाई। अच्छा जी, और यहाँ पे बटर आ गया, मक्खन आ गया। चलो मैं तब तक विलियम पे आता हूँ वापस। यार ये ऑलिव ऑयल इतना गाढ़ा क्यों है? मैंने इतना गाढ़ा देखा नहीं ऑलिव ऑयल। ये चेक करें जरा, ये देख जरा, वो तेरी शहद की तरह लग रहा है। शहद का लग रहा है, खराब तो नहीं ऑलिव ऑयल, पुराना हो गया। ये लगता है तुझे पुराना वाला दिया उन्होंने जान के, खुद मामू फ्रेश निकालेंगे। ये स्पेशल नमक है, ये है क्या? ये भी डालो जरा, इस पर गोल है, पॉटी आ जाएगी खाने के बाद। तुमने कहा ना तुम्हें पॉटी टाइट आती है भाई, खाना तो सबने है। ये 8 मिनट्स हो गए अभी तक, तो टाइम तो है लोगों के पास। गोइंग गुड, गोइंग गुड। होए 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 होए, जरा चेक करिए एक्सपायरी वाला तो नहीं है, है? तभी कह रहा था गाढ़ा है, सपना टूटा है तो मेरी मेहनत ना बस जाए जाए, वैसे नहीं जाएगी वैसे। और सबसे पहली बाइट पिज्जा को खिलाने, लेमन डाल रहा है, और इसके ऊपर आपने क्या डाला, बटर डाला? नो बटर नहीं है, गार्लिक। तो फिर अच्छा गार्लिक, गार्लिक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हुई। अच्छा और उस पर अब लेमन डाल रहा है, ठीक है। ये है लेमनी फिश बना रहे हैं, लेमनी फिश बना रहे हैं, सही है सही है। बाहर का माहौल तो वैसा ही है जैसे हम छोड़ के गए थे, लेकिन अंदर जाके चेक करते हैं क्या सीन चल रहा है, कुकिंग का कहाँ तक सीन पहुँचा। गने कहाँ से आ गई तुम लोगों के पास? ये पता नहीं कहाँ से आ गई मामू ने, ये पानी भर रहा है बड़ा तेज, पानी भर रहा है। ठंडा पानी यूज करने की जरूरत है, मामू तो बड़े गर्म हुए हैं। ये मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख लिया, एक और ठुमका है ना। अच्छा तू बेसिक इंग्रेडिएंट्स पे जा रहा है, इसके अंदर से अपना फ्लेवर निकलेगा। अच्छा तो इसके अंदर जो फैट है, इसका जो फैट के ऊपर नमक लगेगा, उसका अपना फ्लेवर होगा। चलो देखते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स एज यू कैन सी, ये हमारी फिश पकना अब शुरू हो गई है, लुकिंग गुड सो फार। चिकन ऑलमोस्ट पक गया है, वेली गुड। 24 मिनट्स रह गए आप लोगों के पास, 24 मिनट्स में काम हो जाना चाहिए। छेती छेती करो, छेती छेती, ये ढुमके मारने में इतना टाइम ना लगाते अभी तक फिश बन चुकी होती। ये वाटर गन से ना खेलते अभी तक फिश बन चुकी होती। ओए होए 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 होए, सही व्हाइट कलर आया इस पे। टाइम कम है, टाइम बाकी कम है, वैसे 23 मिनट रह गए भाई। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये ले भाई, ये ले। ये देखें जैसे शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। आज तू क्या नहीं बनाएगा? आज मैं सिर्फ ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, मैं तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हमारी फिश हो गई है रेडी। लो जी भाई, रेडी हो गई है फाइनल डिश। ओए होए होए, लेमनी फिश मामू की। 9 minutes and 30 seconds। ये पद्दू से रही है, काटे नहीं। मेरा खाना ना जल जाए पीछे से। आई थिंक ये हो गया। अब मैंने बस एंड वाली चीजें डाल दी। अब एक फाइनल टच क्या है, मिर्चों का। यस भी कभी बहुत थी। वो देख उनकी दो डिशे हो गई, क्या कर रहा है तू? मेरी बस रेडी हो गई है। चलो ठीक है, मैंने बताया था ना मैं सिर्फ ऑमलेट ही बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा, बड़े मजे की बनेगी। थर्ड डिश, डियर मीट, डियर मीट भी बन रहा है।
लो जी थर्ड डिश बन रही है, इस पे क्या क्या डाला इंग्रेडिएंट्स डियर मीट के अंदर? कुछ नहीं डाला, जैसे फॉर कलर दे रहा हूँ। ओए बहुत जल्दी पक रहा है। हाँ अच्छा, ये सॉफ्ट मीट है काफ़ी, बहुत जल्दी पक रहा है। क्या जवाब है आपके पास मिस्टर निक? कुछ तो बोलिए। गरजते हैं वो बरसते नहीं। आधे घंटे से यही गरज रहे हैं। ओ भाई ये तो पक भी गया है। अच्छा स्टेक सीजनिंग भी इसके ऊपर हम डाल रहे हैं, ठीक है। चेक कर सकते हो कि कितने ब्यूटीफुल। हमारी कटिंग बोर्ड पे लड़ाई चल रही है इस टाइम। हाँ एक ही कटिंग बोर्ड पे दोनों लग गए। ये तू काट रहा है जिंजर बड़े बड़े पीसेस इसके? नहीं ये एप्पल है यार। अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ भाई, मैं लेके जा रहा हूँ अपना कैमरा घर। 2 मिनट्स रह गए हैं। कम ऑन द क्लॉक इज टिकिंग। 2 मिनट। मामू ने अपनी आँच तेज कर दी है, पीछे की भी और यहाँ की भी। जल्दी करो जल्दी करो। ओ बोली की वो चीजें डल गई सारी। आ जा 2 मिनट्स रह गए हैं। रेडी हो गया? Almost 50 seconds. Ready? So 1 minute and 05, 04. चलो जी भाई जान जल्दी जल्दी करो। 46, 45 seconds. Come on. चैलेंज में धोखा नहीं करना। थोड़ा और आराम से डाल ले। 23 चलो भाई चलो। हेलो ये 19 seconds में किस तरह करोगे? जल्दी करो। हो गया भाई, हो गया रेडी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हो गया तो बन गया, दोनों के बन गया भाई। मामू ने तो पहले ही भंगड़े डालना शुरू कर दिए थे। अब इसको तो हटा ले। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, वली की एक डिश रेडी हुई है, मामू की हो गई है 3 डिश रेडी। लेकिन सिंस तुमने पूरा पतीले में बनाया तो वो एक तुम्हारा कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देंगे, लेकिन 3 डिशेज है उधर। सबसे मुश्किल काम ये कर रहा है। हाँ बहुत मुश्किल काम है बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है पहले हम ट्राई करेंगे डियर मीट जो कि अभी सबसे फ्रेश पका है, ठीक है। जो टेस्ट है ना बॉयज एंड गर्ल्स वो पहले नहीं आया, जब पूरा जब खाया ना सीधा फिर बाद में टेस्ट आया। थोड़ा सा और जूसी हो सकता था, बट इट्स रियली गुड। 7.5 out of 10 मामू की स्टेक। और जो हमारा पेट भर जाए तो मेरी खा लेना। इसके बाद तेरी वाली करेंगे। पार्टियां यहाँ चल रही हैं। मीडियम वेल डन है, ठीक है ये, और मीडियम वेल है, ठीक है। मामो की स्टेक है एज यू कैन सी। मुझे तो डर लग रहा है जैसे कि एग्जाम हो। इट्स बैड बट इट्स माइकल जैक्सन बैड। अब हमने पकड़ लिया है ये नेवलेट, ठीक है। सॉस थोड़ी सी हम डालेंगे। वो इशारे कर रहे हैं। मैंने इशारे मैं नहीं कर रहा, मैं यही सोच रहा हूँ कि मजे देखो माशाल्लाह यहाँ तो इनका डिनर टाइम चल रहा है। ओए होए 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 बहुत अच्छा लग रहा है। थिक विंग्स हैं और बहुत मतलब के ना ग्रेवी से भरे हुए, और वो एक लेमन का फ्लेवर तो है लेकिन ज्यादा ना वो जिंजर गार्लिक का तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। 9 out of 10 फिश रह गई है। हाय 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 मामू की फाइनल फिश। द फिश इज द बेस्ट, दिस फिश इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जस्ट नॉट द वर्ल्ड आई वुड लिव इन। नहीं बहुत मजे की फिश है, बहुत अच्छी है। काश ये फिश ना हम सबसे पहले खाते क्योंकि अगर थोड़ी ठंडी हो गई फिश, बट इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट दिस इज द मोस्ट टेस्टी। इसमें सबसे ज्यादा लेमन का टेस्ट निकल के आ रहा है और अंदर तक पकी हुई है। 9 fish। अगर मैं पर्सनली, फिजा का कोई और ओपिनियन है, मैं अगर पर्सनली ज्यादा भी खाना चाहूंगा चीज वो है विंग्स। इट्स अबाउट द टेस्ट, इट्स अबाउट द टेस्ट, इट्स नॉट अबाउट द व्हाट यू वांट टू ईट मोर। हां तो टेस्ट मैं कहूंगा कि अभी जो विंग्स में आ रहा है यार, मैं कसम से बायस ओपिनियन दे रहा है, खा के देखो चेक करो। हां अभी खाना चेक। उसके Second best thing I would say in my opinion is the fish. No, the fish. Fish is really good. ठीक है उसके बाद steak है, end में deer meat है। तो yeah मेरे opinion में मैं vote वली को दूंगा। बच्चों तुम भी try करके देख लो। फिजा तो मामू की। Yeah मैं fish try करके देखूँ। No, I really like this. Then that. then this. Who's Wally? For now him. But. नहीं करने का दार। दार।
एक जजमेंट तुमने दिए, एक जजमेंट जोंसी है, वो फॉलोअर्स देंगे। हाँ, फॉलोअर्स बताएंगे, फॉलोअर्स बताएंगे कि मैं तीन डिशे बना के हक पे हूँ कि वैसे एक बात है, ओवरऑल मैं कहूंगा तीन डिशे बनाई है मामू ने उधर, ठीक है, तीन चीजों पे गौर दिया। नहीं, अभी ये फॉलोअर्स के कमेंट से पता चलेगा सारा कुछ। मैंने कहा बंदों की बात, जितने क्विक हमने ये बगैर किसी प्लान के, और हाँ ये था कोई हमने बनाया, ये जो चार चार डिशे हैं और बहुत अच्छी बनी है, सब पकी है, खराब भी नहीं हुई, कोई खराब भी नहीं हुई, ये बात तो है, तो उसका मतलब है दोनों ही आउट क्लास शेफ है, ये तो बात करने वाली है। मैं तो पहले ही खाए भी तो मुझे अपने हाथ के टेस्ट पे यकीन मैंने फर्स्ट टाइम खाए हैं शेविंग्स। मैं भी मुझे फ्राइड वाले होते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रीम डाली है या कोई, हाँ सर मैं वही कह रहा हूँ, क्रीमी सा उसने टेस्ट कोई डाला है, पता नहीं क्या एक्सपायर्ड ऑलिव ऑयल का कमाल है। ठीक है जी, बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर, हमने पूरा गजीबो में ये माहौल बनाया हुआ है इस वक्त, ठीक है, हुक्का हमारा रेडी तो है, लेकिन अब बस कोयला जलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो ये वली भाई ने यहाँ पे कोयला रख दिया फुल टाइम, चाय शाय और इस तरह की चीजें, बहुत अपना ही मजा आता है। पहली बार मैं हुक्का बना रहा हूँ। हाँ, और तू खाना इतना अच्छा बना लेते तो हुक्के में क्या मसला है, हुक्का भी तू बना ही लेगा। निकल रहा धुआं नजर नहीं आ रहा, वो बड़ा निकला यार, कब्रिस्तान वाला कब्रिस्तान वाला कौन सा पान है ना, हाँ तो वो कब्रिस्तान में जो खुशबू आ रही होती थी ना, वो वाला फ्लेवर है, जो क्या कहते हैं उसको, अगरबत्ती, अगरबत्ती होती है वो वाला फ्लेवर है, खुशबू आ रही है, कब्रिस्तान वाकई पौनियों में कुछ भी। ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, आपको बस दिखाते हैं कि माहौल यहाँ पे चला हुआ है, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस थ्री ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल के भी वो लगा दूंगा मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह।